देखो भाई बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फर्स्ट यूनिट का आपका है ना, 16 नंबर में आता है क्वेश्चन कि हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स। आपकी ब्लूम्स टेक्सटोनॉमी जो है ना, ब्लूम्स टेक्सटोनॉमी तो आपकी पिछले वाले पेपर में आई गई होगी, ठीक है, जो पेपर हमारा फिजिकल साइंस का होता है उसमें। लेकिन इसके अंदर जो है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ब्लूम टैक्सोनॉमी हर पेपर में तो आएगी नहीं, आ गई तो वो तो आपने पढ़ी हुई है, वो मैंने आपको पहले बता भी दी थी, ठीक है। तो यहाँ पे हम मैथमेटिक्स की हिस्ट्री, ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है फर्स्ट यूनिट में 16 नंबर में आने के लिए, ठीक है। आपका अगर 16 में भी नहीं आया तो 4 में आ जाता है। इसमें आपको इंडियन हिस्ट्री के बारे में बताना है कि मैथमेटिक्स की इंडियन हिस्ट्री क्या है, ठीक है, और थोड़ी सी आप जनरल हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। तो देखो क्या क्या पॉइंट लिखने हैं आपको, पॉइंट पे ध्यान देना, बाकी कुछ चीजें याद कुछ नहीं करनी, पॉइंट वगैरह पढ़ेंगे आप, पेपर में पेज भर ही देंगे, ठीक है। तो देखो पॉइंट आपको कैसे लिखने हैं, पॉइंट ही आपको समझना कॉन्सेप्ट के बेस में। सबसे पहले आप बताओ भाई, मैथमेटिक्स के फादर कौन है, ठीक है, मैथमेटिक्स वर्ड किसने बनाया, ठीक है, मैथमेटिक्स के का जो एरिया है, जो हमारे पास कि वैदिक मैथ है, रामानुजन का था, आर्यभट्ट थे, ठीक है, शंकर वे थे, भास्कराचार्य थे, उनके बारे में आपको बताना, वो किस जो है हमारी शताब्दी में किस एरिया के अंदर रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है कि फादर ऑफ मैथमेटिक्स, हिस्ट्री के बारे में आप बताएंगे इसमें, तो फादर ऑफ मैथमेटिक्स कौन है। तो जैसे हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि मैथेमा वर्ड से ये बना हुआ है, ठीक है, तो ग्रीक वर्ड है, तो ग्रीक से ही आया है। तो आपने साइंस में पढ़ा होगा आर्कमिडीज के सिद्धांत, ठीक है, तो आर्कमिडीज के सिद्धांत जो वहां पे पढ़े, वो आर्कमिडीज के सिद्धांत ही उन्होंने, आर्कमिडीज ने ही यहाँ पे जो है मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा रोल निभाया था, इसमें भी फॉर्मूले वगैरह देने में। तो ये जो है बेसिकली फादर ऑफ मैथमेटिक्स कहलाते हैं आर्कमिडीज, ठीक है, आर्कमिडीज जो है फादर ऑफ मैथमेटिक्स है। दूसरी चीज कि जो मॉडर्न मैथमेटिक्स है, मॉडर्न मैथमेटिक्स है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, जो आप इंजीनियरिंग वगैरह में यूज करते हैं। तो इंजीनियरिंग में जो मैथमेटिक्स यूज होता है वो नॉर्मल अलजेब्रा वगैरह नहीं होता, ठीक है, नॉर्मल उसमें यूज नहीं होती हमारी अरिथमेटिक, तो उसके अंदर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स यूज होती है। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो कॉन्सेप्ट दिया था जिन्होंने, तो उनका नाम था रेने डिस्क्रेट्स, तो उनको बोलते हैं हम फादर ऑफ मॉडर्न मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे आप लिखेंगे फादर ऑफ मॉडर्न मैथमेटिक्स, ठीक है, तो ये फादर ऑफ मॉडर्न मैथमेटिक्स होगी आपके रेने डेस्क्रेट, डेस्क्रेट्स, ठीक है। इसके बाद आपको बताना है कि हमारे पास जो मैथमेटिक्स है, ठीक है, ये मैथमेटिक्स वर्ड कहाँ से आया, किसने ये मैथमेटिक्स वर्ड दिया, इन्वेंट किया। तो जो मैथमेटिक्स वर्ड था ये पाइथागोरस की परमे आपने पढ़ी होंगी, ठीक है, तो पाइथागोरस मैथमेटिक्स में पढ़ा था, उन्होंने ही ये वर्ड दिया था जो हमारा मैथमेटिक्स वर्ड है। तो पाइथागोरस जो थे, ठीक है, तो उन्होंने जो ये वर्ड इन्वेंट किया था, सबसे पहले वर्ड मैथमेटिक्स इन्वेंट किया था, ठीक है, ये आप यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद देखो आपको यहाँ पे जैसे बताना, जब हम बात करते हैं कि इंडियन मैथमेटिक्स की बात करेंगे, जब कहाँ से हुआ है, इंडियन मैथमेटिक्स की हिस्ट्री कहाँ है, ठीक है, तो इंडियन मैथमेटिक्स में बेसिकली जो न्यूमरल्स हैं, नंबर्स हैं, उनका जो स्टार्टिंग हुई वो इंडियन मैथमेटिक्स से हुई है, ठीक है, जिसमें हिंदू और जो है हमारे अरबिक, ठीक है, जो 1 2 3 वगैरह थे ये अरबिक से शुरू हुए थे वहां से, फिर जीरो का इन्वेंशन इंडिया से हुआ था, आर्यभट्ट ने किया था, ठीक है। तो जो मैथमेटिक्स का हिस्ट्री है इंडिया में वो इंदस वैली से ली गई है। इंदस वैली आपको पता है इंदस रिवर के वहां पे थी, तो जो भारतीय संस्कृति है वो भी आपको जो हिस्ट्री में आपने पढ़ी होगी, इंदस वैली से शुरू करते हैं, ठीक है, तो इंदस वैली संस्कृति से शुरू हुई है जो सिविलाइजेशन है इसका, तो वो वहां से लिया गया है, जो 2500 से लेके, ठीक है, 1500 BC का है, ठीक है। तो जो इंडियन मैथमेटिक्स का वो बना, वैदिक मैथमेटिक्स को भी हम छोड़ देते हैं, उसके लिए यहाँ पे लिया गया है, ठीक है। तो जो न्यूमरल्स हैं हमारे, न्यूमरल्स होगी वो भी हमारे इंडियन मैथमेटिक्स ने
मैथमेटिशियन थे उन्होंने डेवलप किए थे, ठीक है, इंडियन मैथमेटिशियन। आपके जो न्यूमरल्स का जो मेन काम था वो अरबिक से लिया गया था पहले, तो पहले आपको पता ही है ये अरबिक जो है बेसिकली इंडिया का ही पार्ट था, अरब वगैरह वहाँ तक का, तो ये अरबिक और हिंदू दोनों संस्कृति से मिलकर बना हुआ था, ठीक है। अब देखो आप जैसे वैदिक पीरियड की बात करेंगे तो आपको बेसिकली पीरियड याद रखना है कब था, वैदिक पीरियड की जब हम बात करते हैं तो इंडियन मैथमेटिक्स के में, तो वो 6000 से लेके 500 BC तक था, 6000 से लेके 500 BC तक का था वो हमारे पास वैदिक पीरियड कहलाता है। अब इस वैदिक पीरियड को भी आप दो तरीके से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आपको यही स्टेप लिखने हैं, आपको ज्यादा वो नहीं, इसी में ही आपका हो जाएगा, ठीक है। तो पहले आप वैदिक पीरियड में जाएंगे, 6000 से लेके 500 BC तक का जो था वो वैदिक पीरियड था। वैदिक पीरियड को दो कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है, एक अर्ली वैदिक पीरियड, ठीक है, एक अर्लियर होगा और एक लेटर वैदिक पीरियड। अर्लियर वैदिक पीरियड जो होगा वो 6000 से लेके आपका 1000 BC तक का रहेगा, ठीक है। बीसी मतलब ईस्वी पूर्व है, ठीक है, और जो है यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले का और ईसा मसीह के जन्म के बाद, जन्म का क्या मतलब मरने के बाद, क्योंकि जो ईसा मसीह 34 साल तक यहाँ रहे थे वो काउंटिंग नहीं होती है, उसके बाद के जब वे चले गए तो वो लेटर के आ जाते हैं। तो लेकिन हमारे पास हमने जैसे यहाँ पे 6000 से 500 तक लिया हुआ है, तो 6000 से 1000 तो यहाँ लिखा, 1000 से 500 BC तक का जो था यानी 1000 BC से 500 BC के बीच में ये लेटर जो है वो यूज करे जाते हैं हमारे लेटर, वो वैदिक पीरियड कहलाता है। तो ये दो तरह के वैदिक पीरियड में आपको डिवाइड करना है। तो जो अर्लियर वाला था वहां पे आपको क्या लिखना है कि कहाँ से लिया गया है इसके, कि न्यूमरल्स हमारे नंबर्स वगैरह या कुछ भी जो आप यूज करते थे वर्ड्स वगैरह काउंटिंग वगैरह करने के लिए कुछ, तो वो बेसिकली जो है विष्णु पुराण से लिए गई हैं, जो वेद है हमारे विष्णु पुराण, ऋग्वेद, यजुर्वेद, ठीक है। तो वहाँ पे भी कुछ मैथमेटिक्स की भी मिलती हैं, तो वो आपको इनके बारे में यहाँ पे वेद्स के बारे में आपको लिखना है इसमें, ठीक है। तो चारों वेद के बारे में आप बताएंगे, विष्णु पुराण थे, विष्णु पुराण के में भी मैथमेटिक्स का कुछ यूज किया गया है वो बताएंगे आप। वेद व्यास, ठीक है, वेद व्यास ने जो महाभारत लिखी थी वहां पे भी काउंटिंग हुई थी कि 100 कौरव थे हमारे ये थे, ठीक है, 5 पांडव थे, तो उस तरह की सारी चीजें आपको ये अर्लियर मैथमेटिक्स में लिखनी है, अर्लियर वैदिक पीरियड में लिखनी है। जब लेटर वैदिक पीरियड में आएंगे तो आपको यहाँ पे ज्योमेट्री के बारे में बताना कि इस पीरियड में आपकी ज्योमेट्री जो है वो डेवलप हो गई थी, ज्योमेट्री की चीजें। और यहाँ पर जो है आपको एक चीजें और ध्यान रखनी है, ठीक है, तो जो साइंस मैथमेटिशियन है, मैथमेटिशियन का नाम आप दोगे तो वो भी आप पीरियड के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने उसमें बताया आपने अर्लियर वाले में वेद व्यास दिया, तो लेटर वाले में यहाँ पे जो है वो है बुद्ध्यान, ठीक है। तो ये बुद्ध्यान जो थे, जो ये हमारे लेटर 1000 से 500 BC है उसमें सबसे ज्यादा फेमस मैथमेटिशियन थे बुद्ध्यान, ठीक है। तो इन्होंने जो बुक लिखी थी जिसमें इन्होंने मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट फॉर्मूलेज वगैरह लिखे थे, कुछ सूत्र लिखे थे, तो उसको हम बोलते हैं बुद्ध्यान सुलवा सूत्र, ठीक है, सुलवा सूत्र। ये सूत्र बेसिकली लिखे गए थे संस्कृत में, उन्होंने संस्कृत में जो है दोहे लिखे थे, तो उन दोहे में ही मैथमेटिक्स समझाया था। इन्होंने बताया था किस तरह से क्यूब्स जो है, ठीक है, स्क्वायर निकालते हैं आप, क्यूब्स निकालेंगे किसी नंबर्स का स्क्वायर और क्यूब्स के बारे में। जैसे अगर आपको अंडर रूट भी निकालने बताए थे, मान लिया स्क्वायर रूट आपको निकालना है √2 का, तो उन्होंने बताया था कि इस तरह से आप निकाले 1 + 1/3 + 1/3 4, ठीक है, + 1/3 4 3 4, इस तरह से आप चलते जाएंगे। तो ये जो है ये हमारे जो बुद्धायन सुलवा सूत्र है उससे लिए गए हैं, ठीक है। तो इस जो एरिया में, इस पीरियड में सबसे ज्यादा जो फेमस मैथमेटिशियन थे वो बुद्ध्यान थे, और दूसरा जो है वो अपास्तुम, ठीक है। तो ये आपको कुछ रखने हैं, इन्होंने भी जो है सूत्र दिए थे, तो इनके जो सूत्र थे वो कहलाते थे हमारे अपास्थाम्बु सूत्र, ठीक है, तो अपास्थाम्बु सूत्र कहलाते थे। तो ये चीजें आपको इसमें वैदिक पीरियड में याद रखनी है, वैदिक में आपको शॉर्टकट वगैरह चीजें, आप वैदिक मैथमेटिक्स के बारे में आपने समझा होगा, सुना होगा, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद जो है जब आप मॉडर्न में आते हैं यहाँ पे, तो
ठीक है, तो उसके लिए जो है आपको यहाँ पे लिखना है आर्यभट्ट के बारे में, आपको बताना है कि आर्यभट्ट कौन थे। ठीक है, तो मेन सबसे पहला नाम जो आता है इंडियन मैथमेटिक्स में वो आता है आर्यभट्ट का। आर्यभट्ट भी आर्यभट्ट के नाम से दो मैथमेटिशियन हुए हैं इंडिया में, ठीक है, आर्यभट्ट वन और आर्यभट्ट टू। ठीक है, तो जो आर्यभट्ट वन थे उन्होंने ही जीरो का इन्वेंशन किया था, तो इसके बारे में आपको लिखना आर्यभट्ट जो वन थे उनका जन्म हुआ था 476 AD में। ठीक है, जो भी ये मैथमेटिशियन के बारे में आप लिखोगे यहाँ पे हिस्ट्री में, उनका जन्म के बारे में, कहाँ पे हुआ था, ठीक है, उनकी कुछ रिसर्च के बारे में, मतलब उनके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, तो 476 AD में इनका जन्म हुआ था, कहाँ पे जन्म हुआ था, कुसुमपुर, कुसुमपुर ये पटना के पास है, कुसुमपुर पटना के पास वहां पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है, कुछ लोग इनको कहते हैं कि ये केरला में भी जन्म हुए थे, क्योंकि इनके जो अभी रूल्स वगैरह जो चलते हैं, कैलेंडर इन्होंने बनाए थे, तो वो केरला में उधर साउथ में यूज हुए थे, तो आप ये भी लिख सकते हैं इन्होंने कुछ कैलेंडर बनाए थे, वो कैलेंडर अभी भी साउथ में चलते हैं, कि उन्होंने इनको फॉलो किया हुआ है, तो कुछ लोग कहते हैं कि इनका जन्म जो है केरला में हुआ है, लेकिन सब जगह जो है कुसुमपुर पटना ही जो वेरीफाइड में लिखा हुआ है। ठीक है, इन्होंने जो बुक लिखी थी वो बुक 499 AD में लिखी थी, यानी जब ये 23 साल के थे तभी इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था आर्या भट्टिया। ठीक है, तो आर्या भट्टिया नाम की इन्होंने एक बुक लिखी थी 499 AD में। ठीक है, इनका जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है जीरो का इन्वेंशन किया था। ठीक है, तो जीरो का इन्वेंशन हुआ सबसे मेन। दूसरी चीज ये इन्होंने जो है जो नंबर है उनको लेटर्स के सिंबल्स के फॉर्म में यूज किया था, बताया था कैसा, जैसे इन्होंने बताया कि 1 2 3, इन्होंने अल्फाबेट्स जो है वो कॉन्सोनेंट में और वोवेल्स में इन्होंने यूज किए थे, तो जैसे 1 2 3 को आप लिख रहे तो इसको इन्होंने लिखा कै खै गै, इस तरह से यूज किया। इसी तरह से अगर आपको लिखना है 30 40 50 60, इस तरह से लिखना, तो ये इन्होंने यहाँ पे बनाए, इनको लिखते हैं ये रे, इस तरह से बनाए। ठीक है, फिर इसके पावर 10 की पावर में, पावर में कोई वैल्यू लिखनी है, जैसे यहाँ पे 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, तो ये चीजें आपको वहां पे मेंशन करनी है एग्जाम में, 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, तो इन चीजों को इन्होंने कहा इनको लिखेंगे हम वोवेल्स की फॉर्म में, जैसे ए आ ई, इस तरह से। तो उन्होंने इसका रूल बताया कि अगर आपको लिखना है के ये, तो इसको आप, ये दो वर्ड से बना हुआ है के प्लस ये से, तो इसको अगर मैथमेटिक्स की टर्म में लिखेंगे तो के का मतलब देखो यहाँ पे क्या है, 1, तो ये हो गया 1, प्लस ये का मतलब क्या है 30, तो 1 प्लस 30 हो गया, यानी 31 आपने लिखा, तो इसका मतलब के है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप लिखते हैं, मान लिया यहाँ पे आपने लिखा गी, ठीक है, तो ये बना हुआ है गै प्लस ई से, तो गै का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आप देखेंगे 3 है, ठीक है, और प्लस ई का मतलब 10 की पावर 2 है, तो यहाँ पे 10 की पावर 2 लिखेंगे, तो ये कितना हो गया आपके पास 10 की पावर 2, और यहाँ पे हमारे पास 10 की पावर 2 होता है 100। ठीक है, ये साथ में ही मात्रा आ रही है, अगर मात्रा साथ में ही है तो आप प्लस नहीं इंटू करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 × 100, तो यानी 300 आप लिख देंगे, तो इस तरह से मात्रा अगर उसी वर्ड पे है तो मात्रा के लिए आप इंटू कर देंगे, अलग अलग वर्ड है तो उनको जोड़ेंगे, तो इस तरह से ये जो है ये सारी चीजें आर्यभट्ट ने दी। आर्यभट्ट ने पाई की वैल्यू भी निकाली थी 8 डिजिट तक, 314 1492 65। ठीक है, ये वैल्यू जो है आर्यभट्ट ने दी थी, ठीक है, जो पाई की वैल्यू कैलकुलेट करी थी। ठीक है, इन्होंने सर्किल के लिए बताया था कि सर्किल के लिए एक फॉर्मूला दिया था कि अगर दो कोण आप लिख देते हैं उनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो तीसरे के जो है स्क्वायर के इक्वल होती है, तो इस तरह से जो है ये कुछ फॉर्मूले हैं ये आर्यभट्ट के हैं, आर्यभट्ट वन के। ठीक है, अब जब बात आती है आर्यभट्ट टू की, ठीक है, आर्यभट्ट टू की बात आती है, तो इनके बारे में आपको लिखना है, इनका जन्म जो हुआ था वो 950 AD में हुआ था, उनका 476 AD में हुआ था ईस्वी में, और इनका जन्म जो है 950 AD में हुआ था। इन्होंने जो बुक लिखी थी उस बुक का नाम है महा आर्या सिद्ध,
सिद्धांता, महाआर्य सिद्धांता, ठीक है, जो उन्होंने बुक लिखी थी वो आर्यभट्टिया थी, और ये जो बुक थी ये थी महाआर्य सिद्धांता। इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिए थे वो कॉन्सेप्ट दिए थे एलजेब्रा की, ठीक है, ज्योमेट्री के, जैसे हमारे पास प्लेन वगैरह, स्फेयर वगैरह, ठीक है, उनके बारे में इन्होंने बताया था, स्फेरिकल वगैरह, ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट दिए थे। तो ये सारी चीजें आपको इसमें बतानी है, ठीक है। तो ये आर्यभट्ट के बारे में हो गया। फिर जैसे ब्रह्मगुप्त थे, भास्कराचार्य थे, और हमारे रामानुजन थे, तीन और साइंस मैथमेटिशियन थे यहाँ पर। तो उनके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, वहां पे डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आप देख लीजिए, कुछ समझ नहीं आया हो, कुछ पूछना हो तो आप बता देना। देखो आपको कुछ ज्यादा नहीं लिखना है। इस वीडियो का अगर हम सारांश देखें तो इस वीडियो के सारांश में हमने ये कहा है कि जो मैथमेटिक्स की हिस्ट्री है उसमें आपको मैथमेटिक्स के फादर का नाम, मॉडर्न फादर कौन थे, मैथमेटिक्स वर्ड किसने बनाया, ये आप लिखेंगे। मैथमेटिक्स के बारे में थोड़ा सा आप लिख देंगे। फिर वैदिक मैथमेटिक्स 6000 से लेके हमारा 500 तक चला, उसमें 6000 से 1000 तक अर्ली पीरियड रहा, जिसमें विष्णु पुराण, वेद वगैरह ये सब चले, ठीक है। जो अर्ली पीरियड रहा वैदिक का, तो वो रहा आपका 1000 से 500 ईस्वी पूर्व तक रहा था, ठीक है। तो उसके अंदर जो है आपका सुलवा सूत्र जो चले थे उनके बारे में आपको लिखना है, सुलवा सूत्र के बारे में, ठीक है। तो सुलवा सूत्र में आपको क्यूब करना, स्क्वायर करना, ज्योमेट्रिक डेवलप करना, वो आपको बताना है, ठीक है। जो सुलवा सूत्र थे वो बुद्धायान ने दिए थे, उनके बारे में आप बता देंगे, रूट टू स्क्वायर कैसे, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। फिर आर्यभट्ट के बारे में बताना है आपको, आर्यभट्ट वन, आर्यभट्ट टू, ठीक है, कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए, कौन सी बुक लिखी, क्या इन्वेंशन की है, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा सा आप लिखेंगे, जब हिस्ट्री लिखेंगे तो आपको इन पे वैदिक, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य और आपको जो है रामानुजन, इनके बारे में लिखना। तो सबके बारे में आप एक एक पेज भी लिख देंगे, आपके 4 पेज हो गए, आपका काम कंप्लीट हो गया 16 नंबर के मार्क्स का, ठीक है। किसी पर्टिकुलर एक के बारे में आएगा तो 4 नंबर का है, नहीं तो 4-5 आपके पास ऐसे ही मैथमेटिशियन होगी, आप इसको क्वेश्चन को 16 नंबर में इजीली कर देंगे। ज्यादा फालतू चीजें लिखने की कोई जरूरत, ठीक है। तो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चीजें आपको लिखनी है, वो समझनी है। ये आपको फिर एग्जाम आप सी टेट, यूपी टेट का भी देते हैं, वहां भी बुक्स के नाम, उनकी हिस्ट्री वगैरह ये सारी चीजें ही पूछी जाती हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।